हेलो एवरीवन, ये जानकर खुशी होगी कि हाईकोर्ट एलडीसी की जॉब आ चुकी है। हाईकोर्ट एलडीसी यानी हाईकोर्ट ने लंबे इंतजार के बाद, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद ये जॉब निकाली है। तो हाईकोर्ट लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी निकल गई। कम से कम 1.5 से 2 साल इंतजार बच्चों को था कि कब ये जॉब निकलेगी और कब हम किसकी तैयारी करेंगे। और कुछ बच्चे तो अभी पहले से ही तैयारी कर रहे थे पर बीच में स्टॉप कर दी है। तो देखते हैं कौन सी वैकेंसी। सारा सिलेबस बताऊंगा, क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं, एजुकेशन क्या मांग रहे हैं। लास्ट तक देखते रहना, आप लास्ट तक देखते रहना ये वीडियो, ठीक है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, जो बहुत जन क्लास से नहीं ले पा रहे कोरोना वायरस के चक्कर में। तो कोरोना वायरस के चक्कर में मैं ऑनलाइन क्लासे दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको सबको लड़ना है। एक ही कारण है, एक ही कारण सबसे सबसे बेस्ट इससे बचा जा सकता है, वो वही है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर ले। जैसे प्रधानमंत्री ने जो बताया जनता कर्फ्यू रविवार को, जनता कर्फ्यू रविवार को बताया है, सुबह सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। मैं तो कहूँ पूरे दिन ही आप रखें जनता कर्फ्यू। तो एक तो हो जाएगा कि उसके पहले वाले नाइट हो जाएगी, फिर सुबह दिन में हो जाएगी, फिर नाइट हो जाएगी। इस दौरान क्या होगा, अगर वो वायरस कहीं पर भी टच, हाथों से टच हुआ, कहीं पर भी हुआ है, तो वो वहाँ का वहीं नष्ट हो जाएगा और बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं कह दूँ अगर बिल्कुल ही बचा जाए तो 7 दिन तक आपको अपने घर में आइसोलेट कर ले। एक ही बचाव, बस 7 दिन तक अपने घर में अगर अपने आप को आइसोलेट कर ले, तो वही आएंगे जो मतलब पॉजिटिव है और जिसमें 7 दिन से बता। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बीमारी का पता है, वो बीमारी का पता क्या होता है कि अगर अपने को वायरस एंटर कर गया तो वो 7 से 8 दिन बाद ही बीमारी का पता चलता है कि हमें क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया, यानी कोरोना से हम पीड़ित है, ठीक है। जो सांस लेने में दिक्कत वगैरह ये समथिंग स्टार्ट, वो 7 दिन पता चलता है, एकदम से एंटर करने के बाद नहीं पता चलता, 7 दिन के बाद पता चलता। तो 7 दिन में जो भी होंगे पीड़ित वो सामने आ जाएंगे, और सामने आने के बाद जो जो पीड़ित उन्हीं का इलाज चलेगा, उसके अलावा उनके किसी को भी मतलब दे हैं अपन, तो आपको 7 देना। चलिए अपन इसी बीच में जो भर्ती आई है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। भर्ती आई है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर। ये जो भर्ती है वो कब से इंतजार कर रहे थे। 3 पद है इसके अंदर, एक तो कनिष्ठ न्यायिक सहायक, एक तो कनिष्ठ न्यायिक सहायक, ठीक है, एक है आपका लिपिक और एक है आपका कनिष्ठ सहायक। ये कनिष्ठ न्यायिक सहायक अलग है, लिपिक और कनिष्ठ सहायक तीनों भर्ती है। तीनों भर्ती का अगर अपन देखे, तो ये 1760 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत समय पर बाद निकली और 1760 वैकेंसी है। तीनों के बारे में बताता हूँ कि क्या सिलेबस है, क्या अपना इसका क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो ये आपको पूरा सिलेबस अपन देखते हैं, ये सिलेबस अपन को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सी है, कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड सेकंड, तीन भर्ती पर हो रही है ये। तो देखते हैं, पूरा जानकारी लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जो मेन इंफॉर्मेशन इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो 2 वर्ष तक आपको कितना पेमेंट दिया जाएगा, 14,600 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, फिक्स पेमेंट है। उसके बाद L5 मैट्रिक्स लेवल चलेगा, जिसमें अपनी पेमेंट होगी 20,800 से 65,900 के बीच में अपनी रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं, और इस इन्फॉर्म रिक्तियों की संख्या और आरक्षण वगैरह सब जो पहले से निर्धारित है तो उसी से होगा, जैसे इसमें दिया है अनुसूचित क्षेत्रों में TSP एरिया में भी अलग वैकेंसी है, और नॉन TSP, अपन नॉन TSP पे आते हैं अधिकतर, जो नॉन TSP पे आते हैं उनके लिए है। तो थोड़ा सा अपन नीचे आ जाते हैं, मेन चीज पर आ जाते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी ए ग्रेजुएट, चेंज हो गया है। यानी पहले 12th मांगते थे, मस्ट बी ए ग्रेजुएट, देखो इसको बोल्ड भी किया है, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी एनी स्ट्रीम में आपके, और मस्ट बी ए बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज यानी RSCIT इसमें होना चाहिए, जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज होना चाहिए। RSCIT या एनी कंप्यूटर कोर्सेज भी हो रहे, वो किसी में भी वो जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिंपली चल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए, लिख तो दिया यहाँ इन्होंने मस्ट बी ए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, पर इसमें आपकी कंप्यूटर नॉलेज
ऐसी होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह गवर्नमेंट से होना चाहिए, ठीक है। जैसे आरएससीईआरटी सिंपल ही है, तो इसमें चल जाएगा आरएससीईआरटी, और इससे अधिकतर पीजीडीसीए एमएससी एमसी कुछ भी हो आरएससीईआरटी के अलावा, है ना, बीटेक कंप्यूटर साइंस हो, ये किसी में भी हो तो चल जाएगा। देखो आयु एज वही रखिए, अधिकतम 40 वर्ष रखिए और मिनिमम क्या रखिए 18-18, ठीक है। वही 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है, जैसे आप कह सकते हो ओबीसी हो एससी एसटी को जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन है इसके अंदर, आगे देखते हैं। और देखो इसमें क्या रखा है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उनके लिए 350 रुपए है, और जो सामान्य वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, इनको लिए क्या है 500 रुपए। इस बार इन्होंने फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, पहले नहीं थी इतनी फीस, इस बार इन्होंने फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ाई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फीस का भार पड़ेगा स्टूडेंट पर, तो ये देखते हुए कि 350 एससी एसटी के लिए और अन्य के लिए क्या है, मान लीजिए आप 500 रुपए है इसके अलावा, एससी एसटी के अलावा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और इसमें क्या सिलेबस है और किस किस कितने मार्क्स तक क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, सारी जानकारी देता हूं मैं आपको कि सिलेबस क्या। देखो इसमें देखो अब सेक्शन ए, यानी दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्लियर करने के बाद सेक्शन बी का पेपर होगा, तो पार्ट ए में हिंदी आएगी 100 मार्क्स की, ठीक है, पार्ट बी में इंग्लिश आएगी 100 मार्क्स की, और पार्ट सी में जनरल नॉलेज यानी राजस्थान जीके 100 मार्क्स की। यानी इनको तीनों को इन्होंने क्या लिया, बराबर एवरेज में लिया है, यानी इनके जो जो आएंगे मार्क्स वो 300 मार्क्स का होगा, यानी आप मान के चलिए 150 क्वेश्चन, 50-50 ये 150 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो सकता है, तो इस अकॉर्डिंग ये 300 मार्क्स है, तो 50-50 होंगे तो ये 100 मार्क्स हो जाएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 50 इंग्लिश के आएंगे तो ये भी 100 मार्क्स हो जाएगा, और ये इस तरह से 300 मार्क्स हो जाएगा। इसमें से एससी एसटी और जो हैंडीकैप्ड है पीएच, उसके लिए 120 कम मिनिमम पास होने के लिए चाहिए, और अदर के लिए कम से कम मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 135। यानी मार्क्स बता दिया, अगर 120 का अगर अपन परसेंटेज निकाले, ठीक है, यानी एससी एसटी और पीएच के लिए तो मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है, अगर 120 से अपन निकाले 300 का प्रतिशत तो वो 40% आता है, और अदर के लिए 45% आना चाहिए। तो ये तो हो गई अच्छी बात, ठीक है, कि इसमें 40 और 45 रखा, पहले 35 और 40 था, अब के 40 और 45 रखा गया है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि सिलेबस क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस। अच्छा इसमें सेकेंड जो होगा ये परीक्षा, अगर जो पास कर लेगा उसमें क्या होगा, इनका इनको किसके लिए बुलाया जाएगा, इनको जो बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग का जो नीचे दे रखा है, देखो मैं पहले टाइपिंग का बता देता हूँ, अगर इसमें क्लियर हो जाते हैं तो पहले टाइपिंग में बुलाया जाएगा, तो हिंदी टाइपिंग 5 मिनट की, इंग्लिश टाइपिंग 5 मिनट की, ठीक है। यानी दोनों ही टाइपिंग मांगी गई है। देखो यहाँ पर पढ़ते गति की एवं दक्षता परीक्षा आयोजन विधि मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी, यानी दोनों ही टाइपिंग मांगी गई है, तो 5-5 मिनट की दोनों टाइपिंग होंगी, हिंदी और इंग्लिश। पहले ये था कि अगर कोई हिंदी चॉइस कर लेता था तो उसको इंग्लिश नहीं करना पड़ता था। देखो इसमें क्या है, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर, डेटा विल बी हैव बी फेड इन ड्यूअल लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी लिखा है, इंग्लिश एंड यानी दोनों लैंग्वेज का होगा, ये इस बार चेंजेस मिला है। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होगी, पहले ये था कि अगर इंग्लिश चॉइस करी तो हिंदी इंग्लिश दोनों को टाइपिंग हुई थी, और जिसने केवल हिंदी चॉइस करा था तो केवल हिंदी की टाइपिंग हुई, इस बार दोनों होने के चांसेस है। मैक्सिमम मार्क्स 25-25 मार्क्स है, और इसमें मिनिमम पास होने के लिए भी चाहिए, इसमें मिनिमम पास होने के लिए कम से कम चाहिए 20 मार्क्स, और अदर कैंडिडेट के लिए 22 मार्क्स। ओहो इसमें बड़ा रोल है, ये बड़ा रोल है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें चाहिए 22.5, अदर के लिए एस सी एस टी के लिए 20, तो स्पीड बड़ी अच्छी मांगी है इसके इस हिसाब से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट का होगा, 50 मार्क्स होगा, और मिनिमम पास इसके लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 20 मार्क्स और 22.5, यानी टाइपिंग को वरीयता दी गई है।
टाइपिंग को वरीयता दी गई है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान रखना आप टाइपिंग का स्पेशली। चलिए अपन सिलेबस की तरफ आते हैं, सिलेबस की तरफ आते हैं। तो सिलेबस जो है अपना हिंदी का, देखो हिंदी में अपना है वही संधि, संधि विच्छेद, संधि संधि के भेद, समास, समास के भेद, विग्रह, सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संक्षिप्त शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति। इंग्लिश में देखते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस, वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में आपको ये बता दूं, मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस करवा दिया इंग्लिश ग्रामर, अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखो सब मिलेंगे आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने करवा दिया है, मैंने इसमें से सिनोनिम्स के भी कुछ पार्ट करवाए हैं, मैंने इसमें मतलब लगभग लगभग टेंस भी करवाए हैं, तो इसमें से आप चेक कर सकते हो जो जो और जो जो नहीं करवाया, जैसे एडजेक्टिव मैंने करवाया है इसके अंदर, मैंने डिग्रीज करवाई है, मैंने एग्रीमेंट करवाया है, तो कुछ कुछ है जो नहीं है तो वो देख लेंगे, जो नहीं है उसको करवा दूंगा मैं, तो कंप्लीट इंग्लिश होगा अपना। तो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तो देखे आप, ठीक है, आर्टिकल देखे, आर्टिकल करवा दिया मैंने, ठीक है, ये भी देखे आप, कनेक्टिव भी मैंने करवा दिए हैं, तो देखिए आप एडजेक्टिव मैंने करवा दिए हैं, ये आप चेक करें, सिनोनिम्स के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, तो ये देखिए आप, इसके अलावा जो है वो मैं जरूर करवाऊंगा आपको, ठीक है। हिंदी के भी मैंने संधि वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया है, वीडियोस डाले हुए हैं संधि के मेरे, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो भी टॉपिक है पूरे करवाऊंगा, पूरे इसमें एक्सरसाइज भी आएगी, तो मेरे चैनल को आप देखें, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो मिलेंगे, और राजस्थान जीके के तो मैंने बहुत वीडियोस डाले हैं, सारे कंप्लीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री के कंप्लीट डाल रहा हूँ, कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा राजस्थान जीके में से स्पेशली तौर पर, और इंग्लिश में ग्रामर के अंदर कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, हिंदी से तीनों सब्जेक्ट अच्छी तरह से लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इस सेक्शन पार्ट में देखो टाइपिंग का बता ही दिया इसमें मैंने आपको, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट, देखो ये क्या कह रहा है, सिक्योर मिनिमम 45 मार्क्स एंड 40% मार्क्स केस जो एससीएसटी वाले हैं उनके लिए, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो मार्क्स तो ये इतना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना, ये चेक करना है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। कुछ बातें रह गई, देखो इसमें बता रखा है ईच पार्ट शेल 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैंने पहले से ही बता दिया था 50-50 क्वेश्चन लगभग आएंगे, मैंने अंदाजे से बता दिया था, इसमें लिखा हुआ भी है और 2 मार्क्स का है, मैंने यही बताया आपको 150 क्वेश्चन आएंगे। और देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहले भी नहीं रखी थी, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा एक और बात है इसमें, एक और चीज है वो बता देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं नीचे आ रहा है इसमें, तो इसमें जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो एफिशिएंसी टेस्ट केवल वर्ड का ही होगा। देखो इसमें क्या कहा है, एफिशिएंसी टेस्ट मे बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, पिछली बार हमने एफिशिएंसी टेस्ट कराया था तो बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, मतलब 150-50 मार्क्स लगभग सभी के आ गए थे, किसी के 48 आए, इस बार एलडीसी जो वैकेंसी थी उसमें से मेरे यहाँ से 9 बच्चों ने टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट दिया, उसमें से जो बच्चे मार्क्स थे वो 90 से अबाव थे, तो लगभग सभी जॉब लगे, एक स्टूडेंट रह गया था, कुछ 1-2 मार्क्स से रह गया था, और सभी के एक गर्ल्स के 97 point something मार्क्स आए थे स्पीड के अंदर इसमें। तो मैं कंप्यूटर के मामले में बड़ा मतलब फेमस हूँ, कितनी जॉब लगा चुका अभी मेरे कंप्यूटर के मामले में, कम से कम 20 जने सिलेक्शन करवा चुका मैं टाइपिंग, पहले हाईकोर्ट में 4 जनों को निकले थे, इस बार एलडीसी के अंदर 8 जने निकले हैं, उससे पहले आईए के अंदर निकले हैं, तो कई जने निकल चुके हैं। तो इसमें मेरा सबसे बड़ा होता है कि जब एग्जाम आता है तो बच्चे का मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, उसमें ही बच्चे रोने धोने लग जाते हैं, तो उस समय में बच्चों को सबको कैसे मोटिवेट करता, कैसे क्या करते, वहां पर बिल्कुल भी घबराता नहीं स्टूडेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्पीड उसकी जो यहाँ है, मैंने जो बनाई है बड़ी मुश्किल से, वही स्पीड वहां पर बनती है, ये मेरा सबसे बड़ा टारगेट होता है, उसके पीछे खड़ा होकर कर मैं उनकी स्पीड बनाता हूँ, उनका डर निकालता हूँ जो अंदर है, जो भय है उसका वो डर निकालता हूँ, पॉजिटिव जाता है, और जिससे क्या उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। चलिए ये तो बात की बात है, तो
ये मेरा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है टाइपिंग को कंप्यूटर के अंदर, और इस बार इसमें भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होने वाला है। इस आईकोट एलडीसी के अंदर भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, तो लगभग मैंने सारी जानकारी दे दी आपको, कहीं पर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको, लगभग ये सारी जानकारी आ गई इसके अंदर। कुछ और तो छोटा कुछ भी नहीं। अच्छा, एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा? देखो, इसमें ये नहीं बताया, आवेदकों की संख्या के दृष्टिगत रखते हुए लिखित परीक्षा एक से अधिक पारियों में आयोजित की जाएगी। यानी जो लिखित परीक्षा होगी वो क्या है कि मान के चलो, जैसे अभी हाईकोर्ट की देखिए तो 7 या 8 पारियों में करवा रहे एग्जाम, तो इसी हिसाब से इसमें भी 7 से 8 पारियों में एग्जाम होने का है, और दिनांक वो तय हो गया फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ये मान के चलो जैसे हाईकोर्ट का जो फॉर्म्स वगैरह भरे गए थे, तो उसकी जो डेट आई थी वो जून आई है, तो इसका मान के चलो आप अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन तीनों में कुछ ना कोई एक डेट जरूर होगी, इनमें से कोई डेटें होंगी जिसमें एग्जाम अपना पॉसिबल है। फिर भी मैं तो कहता हूं आपको, आपकी तैयारी जुलाई तक हो जानी चाहिए, जुलाई तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी मेरी जो एक्सरसाइज रहेगी उनको करना, मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगा फटाफट, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना, क्योंकि कोर्स से कंप्लीट से कोई फर्क नहीं होता है, एक्सरसाइज होता है। एग्जाम की तैयारी के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी से पता चलता है कि आपको कितना समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कैसे किस तरह से अपन को इसको अचीव करना है जॉब को। तो इसमें दो जॉब्स आपकी क्लियर होगी, एक तो ग्रुप डी की और एक हाईकोर्ट एलडीसी की, दोनों। और पटवारी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट तो इसमें है, ये पटवारी में भी यही काम आएंगे। तो मेरा ये कहना है तीनों की तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी किसी किसी ने एक में। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।